इस्लाम आलकुम दोस्तों एक नई कहानी के साथ सबको खुश आमदीद आज की मज़ेदार कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी नई नई शादी हुई है और लड़की का नाम अकरा है तो चलो चलते हैं अकरा की कहानी की तरफ मेरी शादी सहील से हुई तो लगने लगा कि मैं दुनिया खुशकस्मत तरीन लड़की हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमद था शादी के एक हफ्ते में ही इसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया था ये बात मैं वसूख से की सकती थी कि सहील के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है सहील को आफस से दो हफ्तों की ही छुट्टियाँ मिली थी एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो पता ही नहीं लगा और गुजर गया कल से सहील ने आफस भी जाना था इसलिए उन्होंने बोला इकरा चलो मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ जिस चीज की जरूरत हुई ले लेना और मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की इशत ज़रूरत थी मैंने और सहील ने सारी चीज़ी ले ली और सहील ने हो कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खाकर चलते हैं हमने खाना खाया और वापसी पर काफ़ी लेट हो चुके थे हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक काफ़ी तेज़ रफ़्तार से हमारे पास से एक दिन गुजरी तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया मैं बहुत ज्यादा खोफजदा हो गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठ गई सहेल भी मेरे पास आकर बैठ गए थे और बोले किया बात है उकरा तुम दीन को देख के घबरा क्यों गई थी मेरी चोरी पकड़ी गई थी और मैं मुस्कुराने की कोशिश लगी नहीं नहीं सहेल ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन मुतमिन नहीं सहेल को मेरा जवाब सका इसलिए मैंने कह दिया कि तेज़ रफ्तार चीज़ें देख कि मैं डर जाती हूं और तेज़ रफ्तार से मुझे बहुत खौफ आता है सहेल मेरी बात सुनकर पर सुकून हो चुके थे क्योंकि जो सच था वो मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी सकती थी वो मेरी जिंदगी का बहुत भयानक राज था आज की किस्त नंबर एक यहाँ पर ख़त्म करते हैं अगली किस्त जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी